छीन लिया मेरा पावर, वापस छीन लिया पावर वापस। गॉड क्या कहा था मैंने? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास गॉड का पावर है, और एक तुम अके सबके सामने दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सॉरी गॉड, लेकिन दरअसल मैं पावर टेस्ट कर रहा था, गलती हो गई, आइंदा वापस नहीं करूंगा। लेकिन नीचे जान दो ना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। गॉड प्लीज। ओके, आगे ध्यान रखना। थैंक यू बॉस, आई मीन गॉड। अबे बेवकूफो, देश से गद्दारी नहीं, देश से प्यार करना सीखो, समझे? हटिए हटिए हटिए। अभी अभी बच्चे आतंकवादियों के हाथों से छूटकर बाहर तो आ रहे हैं, अब देखना ये है कि सारे बच्चे बाहर आ गए हैं या नहीं। आतंकवादी कहाँ हैं? देशभक्तो भारत, भारत माता की जय, देश के लिए ये जो चैनल वन वालों को हटाओ यहाँ से, फिर बताऊंगा। ठीक है चल 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 निकल ले। जिसे सिर्फ मेरे चैनल पे आना चाहिए था वो मेरे चैनल को छोड़कर हर चैनल पे आ रहा है। मुझे एपी चाहिए। वाह सर, मैं एपी को जानता हूँ, बहुत बड़ा फट्टू है फट्टू। अरे डर के मारे हाथ पैर चला लिए होंगे। सर वो हीरो वीरो नहीं है, यू नो चैनल वाले बंद करवा देगा आपका। अरे वो एक दिन में पब्लिक का हीरो बन गया है, सोचो हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। सर आप सोचते कहाँ से? अरे तू सर, आपने उसकी इतनी बेइज्जती की, वो वापस क्यों आएगा? मैं उसके पैर पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसको बोलूंगा एपी मैंने तेरी इतनी गलतियां माफ की हैं, मेरी ये एक गलती माफ कर दे। हाँ? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आलिया कहेगी तो जरूर मानेगा। बेटे ने बाप की जायदाद पर कब्जा किया हो। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट एलआईसी एजेंट हो? नहीं, बैंक का कार्ड देने आए हो, कार लोन की बात करने आए हो, और अगर घर खरीदने की बात करनी है तो एसपी से बात करो। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। रुको, मैं आप बोलो। सर ये है मिस्टर केबल चंदानी, चैनल वन के सीईओ। That's right. और मैं हूँ आलिया कपूर। Oh, yeah. आलिया मैं एपी की बहन हूँ, एमपी। Oh. और ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी hey, क्या कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। सर पिताजी आप महान हैं जिसने एपी को पैदा किया। अच्छा ठीक है, ऊपर बैठ कर बात करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, ये चैनल की नौकरी छोड़ो, कभी भी निकाले जा सकते हो। म्युनिसिपैलिटी में मेरी अभी भी बहुत चलती है, मैं तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा सकता हूँ। सर आई विल गिव यू एप्लीकेशन तुरंत, इमीडिएटली। बेटी आलिया तुम? हेलो मम्मी। नमस्ते आंटी। जी रहो, टीवी में तो तुम्हें कई बार देखा है लेकिन पर्सनली तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो, है ना जी? हाँ मेरी तरह। एपी है अपने रूम में। आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी क्या मैडम? पायदा नंबर 8, पायदा नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी। हाय एपी। अरे बॉस आप? तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछोगी? कैसे हैं? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही है? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दूसरी में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट, चलो सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक या पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा। अरे केवल बाबू, कहाँ की बहादुरी और कहाँ की शाबाशी। सर वो क्या जरूरत थी उसे वहाँ घुसने की? पर वो ये काम सरकार का है। जी हाँ। पुलिस का है। जी हाँ। फौज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो किस्मत अच्छी थी कि बच गया। बेटा घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है? देख तेरे बाबूजी कैसे बोर कर रहे हैं तेरे बॉस को। फौज वापस कर दी।
इतनी मुश्किल से बेटा पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, सो तो है मर जाता तो है? नहीं मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। क्या सही सही बोल रहे हो, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हो। सर, वो मेरे बेटे जैसा बहादुर इंसान था कोई वहाँ पर? नहीं, उसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जान बचाई। बिल्कुल सही कहा। अरे इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर मैंने उसे बड़ा किया था। क्या बात, उसने मेरा सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। बिल्कुल आ गया मेरा बेटा। एपी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर एपी ने माफ भी कर दिया और चैनल वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया है। ओह फैंटास्टिक एपी, थैंक यू। एपी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि चैनल टीआरपी से थ्रू द रूफ। अमेजिंग, व्हाट अमेजिंग। दो चार इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है। ओए गोरे, तारीफ सुनने की आदत डाल, क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ के गूंजे ही सुनाई देंगे। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है, बी ओरिजिनल यार। चल खेलेगा, लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना, ही इज जेलीज चैंपियन, मत खेल। अरे दिल्ली को बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें ही। टॉस। पता दाए में काली गोरे। टॉस में जीता हूँ, गेम भी मैं ही जीतूंगा। कैसे हुआ? This is not possible. तूने किया कैसे? अंधी लाल मूंगी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसे हुआ? बने तू? एपी का है? जिसे निकाला था वो एपी था। तू एपी नहीं है? Come on Rocky, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। Loser. चल. Loser. Loser. कारवा निकल गया, आप बॉल ही देखते रह गए। आलिया को देखिए, एक मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम जानता हूँ, वो प्रपोज नहीं कर सकता। मुझे लगता है आलिया प्रपोज कर देगी। अच्छा? हाँ, तो मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तू दुल्हन का जोड़ा लेके आ। अभी जाकर अपनी बीवी का ले आऊँ? सेकंड हैंड? हाँ। नहीं, ब्रांड न्यू। शादी का जोड़ा फॉर माय आलिया। 20,000 का जोड़ा आया, इतने में तो इंडिया में मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार तू ये आलिया तक पहुँचा दे, उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी ये दया। ऊपर वाले अब सब तेरे हाथ में है। वही तो। इधर किसने भेजा है? जी रॉकी साहब। L U S T for you। अरे भाई जाओ। हेलो आलिया, मेरा SMS मिला? मिला। और मेरा गिफ्ट भी? हाँ। और आलिया जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। शाबाश आलिया, मार मार किसे बना दिखा लिया। रॉकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गंदा SMS भेजने की? अच्छा दिखाओ। जी, इतना गंदा SMS? और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे, वो दिखाओ। मैंने लव भेजा था,
लस नहीं। हाँ हाँ ये एसएमएस नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। भाई शपथ तालिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले? आप पता है आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना चिचोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिरगिट जी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को। नहीं देखेगी दोस्तों, इसलिए माफ कर देती हूँ। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना, यू गिरगिट। अरे यार शादी का जोड़ा भेजा था, कोई बिकनी थोड़ी भेजी थी। तो एक काम कर, अब तू बिकनी ही भेज। अरे यार ये लव लस्ट हो गया, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है। नहीं हाथ नहीं, पैर भी सर भी। चल हटा, बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ इसके अंदर। मेरी एक एडवाइस दे, तू एक 30-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना, लेकिन आलिया को तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे?